गुड मॉर्निंग एवरीवन, स्वागत है आपका श्री समर्पण कैरियर इंस्टीट्यूट की ओर से संचालित की जाने वाली ऑनलाइन क्लासों में। हम बात कर रहे थे बॉटनी की फर्स्ट यूनिट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स। इसी यूनिट का पढ़ना तीसरा चैप्टर शुरू हो चुका था अपने प्रीवियस वीडियो में। अपने प्रीवियस वीडियो में अपन ने जो टॉपिक पढ़ा था वो था परपरागण के लिए अनुकूलन, एडेप्शंस और क्रॉस पोलिनेशन। उसी क्रम में हम आज बात करते हैं परपरागण के लिए विधियों की बात करते हैं। परपरागण के लिए पहले अपन ने बात कर ली थी कि जब एक पुष्प के परागकोष से परागकण निकलते हैं उसी प्रजाति के दूसरे पौधे के पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं। इस घटना को क्या कहा जाता है? परागकण कहा जाता है, परपरागण कहा जाता है। परपरागण की घटना के लिए पुष्पों के अंदर परपरागण की प्रक्रिया संपन्न हो इसलिए प्रकृति ने कुछ अनुकूलन पुष्प पादपों को दे रखे हैं जिनके बारे में हमने पिछले वीडियो में अध्ययन कर लिया था। आज हम बात करने जा रहे हैं परपरागण के लिए विधियां, मेथड्स ऑफ क्रॉस पोलिनेशन। देखो, इसको शुरू करने से पहले सामान्य बातें अपने को ये पता है कि भाई एक परागकोष के अंदर परागकणों का निर्माण होता है। बनने वाले परागकण अचल होते हैं, स्वयं गति नहीं कर सकते। और पुष्प की संरचना में हमने ये भी देखा है कि बीजांड अपनी जगह स्थिर रहता है ओवरी में, अंडाशय में बीजांड भी निश्चित जगह पर स्थित रहता है। बीजांड भी अंडाशय से निकलकर बाहर गति नहीं कर सकता, इसका मतलब परागकण भी अचल होते हैं और बीजांड भी अचल होता है। लेकिन जब तक परागकण कार्पल के वर्तिकाग्र पे नहीं पहुंचेंगे तब तक परागकण का अंकुरण नहीं होगा, परागनलिका नहीं बनेगी और परागकण में मौजूद नर युग्मक बीजांड में मौजूद मादा युग्मक के साथ संलयित नहीं हो पाएगा। इसीलिए प्रकृति ने पुष्प पादपों के लिए एक जबरदस्त व्यवस्था कर रखी है ताकि उनमें परपरागण की प्रक्रिया संपन्न हो सके। परपरागण की प्रक्रिया के लिए परागकोष में बनने वाले परागकणों का किसी एजेंट या माध्यम के द्वारा वर्तिकाग्र पर पहुंचना होता है। अगर वर्तिकाग्र पर परागकण नहीं पहुंचेंगे तो परपरागण की घटना नहीं हो सकती। तो प्रकृति ने पुष्प पादपों के लिए व्यवस्था कर रखी है कि कुछ माध्यम या एजेंट परागकणों को अपने द्वारा वर्तिकाग्र पर स्थानांतरित करें, या यूं कह सकते हैं कि कुछ एजेंट्स ऐसे होते हैं जो परागकणों की सहायता करते हैं ताकि उन्हें वर्तिकाग्र पर पहुंचाया जा सके। परागण की प्रक्रिया में परागकणों के स्थानांतरण के लिए बाह्य साधनों की आवश्यकता होती है। अभी अभी जो एजेंट्स की मैंने बात करी वही एजेंट्स परागण की प्रक्रिया के लिए बाह्य साधन के रूप में काम करते हैं। परागण की प्रक्रिया में भाग लेने वाले इन्हीं साधनों को क्या कहा जाता है? एजेंट्स या कर्मक कहा जाता है। परागण की प्रक्रिया में जो साधन या एजेंट काम करते हैं उन्हीं साधनों को एजेंट या कर्मक कहा जाता है। अगर हम बात करें एजेंटों की तो पोलिनेशन की प्रक्रिया के लिए जो एजेंट काम करते हैं इन्हें दो भागों में बांटा गया है, एक है एबायोटिक एजेंट और एक है बायोटिक एजेंट। एबायोटिक एजेंट इन्हें अजैविक साधन भी कहा जाता है और बायोटिक एजेंट इन्हें जैविक साधन भी कहा जाता है। कुछ ये सामान्य बातें अपन करते जा रहे हैं ताकि अपन क्रॉस पोलिनेशन के मेथड को समझ सके। एबायोटिक एजेंट्स या अजैविक साधनों में होते हैं एयर और वाटर, वायु और जल, ये दोनों ही अजैविक साधन हैं। कीट पक्षी और जंतु ये बायोटिक एजेंट या जैविक साधन है, मतलब वायु और जल भी परागकणों के स्थानांतरण में सहायक है और कीट पक्षी और जंतु भी परागकणों के स्थानांतरण में सहायक है। पुष्पीय पादपों के लिए परागकणों के पुष्पीय पादपों में परागकणों के स्थानांतरण के लिए प्रकृति ने कुछ अजैविक और जैविक कारकों को चुन रखा है ताकि परपरागण की प्रक्रिया पुष्पों में संपन्न हो सके। अगर हम बात करें सबसे पहले अजैविक साधनों में वायु और जल की, वायु एवं जल द्वारा परागण की प्रक्रिया में परागकणों का पुष्प की वर्तिकाग्र के संपर्क में आना एक चांस फैक्टर है। देखो एक बार लाइन ले जाओ, वायु के द्वारा और जल के द्वारा जो परागण की प्रक्रिया संपन्न होती है, संपन्न होने वाली ये प्रक्रिया एक चांस फैक्टर है पुष्पों के वर्तिकाग्र के लिए। वायु का बहाव निश्चित नहीं होता और जल का बहाव निश्चित होता है। जल हालांकि बहता हुआ जल एक ही तरफ जा रहा है लेकिन हो सकता है कि बहते हुए पानी के साथ जो परागकण जा रहे हैं वो उस बहते हुए पानी के साथ ही दूर तक चले जाएं, उस पे पादपों की वर्तिकाग्र पर पहुंचे ही नहीं। वायु का भी यही सिस्टम है, हो सकता है कि बहने वाली वायु की दिशा तो निश्चित होती नहीं। अगर परागकण वायु के साथ बह रहे हैं तो किसी भी दिशा में जा सकते हैं। तो वायु और जल के द्वारा जो परागण की प्रक्रिया होती है
ये परागण की प्रक्रिया उसके लिए एक चांस फैक्टर है, ये हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता इन विधियों के द्वारा या इन एजेंटों के द्वारा। इसके लिए पुष्पीय पादप क्या करते हैं, लाखों करोड़ों की संख्या के अंदर परागकण तैयार करते हैं, बहुत सारे लाखों करोड़ों अरबों की संख्या में परागकण वायु के साथ रहते हुए इधर उधर गति करते हैं, तब जाकर उनमें से कुछ एक परागकण वर्तिकाग्र पुष्पों के वर्तिकाग्र के संपर्क में आ पाते हैं और पर परागण की प्रक्रिया संपन्न हो पाती है। परागकणों के होने वाले इस नुकसान की भरपाई के लिए पुष्प बीजाणुओं की संख्या की तुलना में पुष्प बहुत ही ज्यादा मात्रा में परागकणों का क्या करते हैं, निर्माण करते हैं। देखो परागकणों के होने वाले इस नुकसान की भरपाई के लिए पुष्प बीजाणुओं की संख्या की तुलना में बहुत ज्यादा मात्रा में परागकणों का क्या करते हैं, निर्माण। पुष्प के अंदाज में बीजाणु तो एक ही होता है, बीजाणु तो बहुत सारे होते नहीं, लेकिन अगर बीजाणु की संख्या की तरह ही अगर पुष्प परागकोश में एक या दो या दस बीस परागकणों का ही निर्माण करे तो हो सकता है वो परागकण हवा में बहकर इधर उधर यूं ही नष्ट हो जाए, वर्तिकाग्र पर पहुंचे ही नहीं, तो पर परागण की क्रिया संपन्न ही नहीं होगी। इसके लिए पुष्प क्या करते हैं कि बहुत सारे परागकण तो वायु में वैसे ही नष्ट हो जाते हैं, इसीलिए पुष्प परागकोशों में लाखों करोड़ों अरबों की संख्या के अंदर परागकणों का निर्माण करते हैं, बीजाणु की तुलना में लाखों करोड़ों संख्या में परागकण बनाते हैं, ताकि अगर बहुत सारे लाखों परागकण अगर नष्ट भी हो जाते हैं तो भी वर्तिकाग्र पर परागकण पहुंच सके, क्योंकि लाखों करोड़ों परागकण बनाएंगे तो उसमें तो कुछ एक परागकण तो वर्तिकाग्र पर पहुंच ही पाएंगे, बहुत सारे तो नष्ट हो जाएंगे लेकिन कुछ एक तो पहुंच ही सकेंगे और परागण की प्रक्रिया संपन्न हो पाएगी। अब अगर हम बात करें सबसे पहले देखो इसको अपन कुछ इस तरीके से, अब मैं थोड़ा सा स्लो मोशन में पढ़ाता हूं, अपन इसको कुछ इस तरीके से शुरू करने जा रहे हैं कि हमें बात करनी है परपरागण की विधि। परपरागण की जो विधियां हैं उसमें वायु के द्वारा भी परपरागण होता है, इसका मतलब एक विधि तो ये होगी जिसमें वायु के द्वारा परागण हो रहा है, एक विधि वो है जिसमें जल के द्वारा परागण हो रहा है। इसके एग्जाम्पल पढ़ेंगे भाई किन किन पादपों के अंदर वायु द्वारा होता है, किन किन पादपों में जल द्वारा होता है। कुछ पादप ऐसे हैं तो एक विधि वो होगी जिसमें कीटों के द्वारा परागण होता है, एक विधि वो होगी जिसमें पक्षियों के द्वारा परागण होता है, और एक विधि वो होगी जिसमें जंतुओं के द्वारा परागण होता है। तो इस तरह अपन परपरागण की कुछ सामान्य विधियों के बारे में बात करें। इसी क्रम में अपन सबसे पहले बात करते हैं वायु परागण। वायु परागण इसे एनिमोफिली भी कहा जाता है, वायु परागण की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, एनिमोफिली। अब वायु परागण कहते किसे हैं, अगर अगर उसमें बनने वाले परागकणों का स्थानांतरण वर्तांतरण वर्तिकाग्र तक वायु के द्वारा हो रहा हो या वायु एजेंट के रूप में काम आ रही है, या अपन यूं कह सकते हैं कि परागकणों का स्थानांतरण अगर वायु के द्वारा हो रहा हो तो इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, वायु परागण कहा जाता है। क्या कहा जाता है इस प्रक्रिया को, वायु परागण। दोबारा सुने, जब पुष्प के परागकणों का स्थानांतरण पुष्प की वर्तिकाग्र तक अगर वायु के द्वारा हो रहा है तो इस प्रक्रिया को वायु परागण कहा जाता है। वायु परागण की प्रक्रिया हमें ग्रास फूल के पात्र में देखने को मिलती है। ग्रास फूल जिसमें ग्रेन से ग्रेनिया पोलिस भी कहा जाता है, ग्रास फूल के अंदर फसलें पादप आते हैं जैसे ज्वार, गन्ना, बाजरा, मक्का, बांस, ये एग्जाम्पल मैंने यहाँ लिख रखे हैं। ग्रास फूल क्या, ग्रेनिया पोलिस फूल में आने वाले पादप ज्वार, गन्ना, बाजरा, मक्का, बांस, इन अगर पादपों की हम बात करें तो इन पादपों के अंदर पोलिनेशन की प्रक्रिया के लिए के रूप में वायु परागण। अब हम बात करें वायु परागण की प्रक्रिया जिन पुष्पों के अंदर संपन्न होती है उनमें पुष्पों के क्या क्या लक्षण हैं, तो अपन जो इस आगे वाले क्रम में अपन टॉपिक देख रहे हैं वो ये देख रहे हैं कि वायु परागण पुष्पों के क्या क्या लक्षण हैं, यानी जिन पुष्पों के अंदर परागण की प्रक्रिया वायु के द्वारा संपन्न होती है उन पुष्पों में क्या लक्षण हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि वायु परागित पुष्पों के जो परागकण हैं, जिन पुष्पों के अंदर वायु के द्वारा परागण होता है उनके परागकण बहुत ही छोटे होते हैं। बताओ अगर परागकण आकार में बहुत ज्यादा बड़े होंगे तो वो वायु के साथ बहुत दूर तक गति नहीं कर पाएंगे, तो वायु परागित पुष्पों के परागकण आकार में बहुत छोटे होते हैं और वायु के साथ आसानी से बहकर बहुत दूर तक जा सकते हैं और उसी प्रजाति के पादपों के वर्तिकाग्र तक पहुंच सकते हैं, दूर तक बहुत दूर तक जाकर भी पादपों तक पहुंच सकते हैं। दूसरा, बहुत ही हल्के होते हैं। अगर ये परागकण भारी होते तो स्फुटन के बाद परागकण भारी होने की वजह से वही पौधे के आसपास गिर जाते, लेकिन बहुत हल्के होते हैं, हल्के होने की वजह से हवा में बहुत दूर तक गति करते जाते हैं।
शुष्क होते हैं और नॉन स्टिकी होते हैं। इसका मतलब परागकणों की जो बाह्य सतह होती है वो चिपचिपी नहीं होती। अगर वायु परागक पुष्पों के परागकण चिपचिपे होते तो वायु के साथ गति करते समय वो किसी भी बाह्य कारक के साथ संपर्क में आकर उसी की सतह से चिपक जाते हैं। लेकिन इनकी सतह चिपचिपी नहीं होती, इसलिए वायु में ये दूर तक वायु के साथ गति करते रहते हैं। तो पहला तो हमने क्या लक्षण देखा कि वायु परागित पुष्पों के परागकण छोटे होते हैं, हल्के होते हैं, शुष्क होते हैं और नॉन स्टिक यानी इनकी सतह चिपचिपी नहीं होती। अब हम बात करते हैं दूसरा लक्षण कि वायु परागित पुष्पों के जो पुंकेसर हैं ये बाहर की ओर एक्सपोज होते हैं। कैसे? जैसे मान लो ये हमारे पास एक पुष्प की संरचना है। इस पुष्प की संरचना के अंदर अगर पराग कुतंतु परागकोष पुष्प की संरचना में बंद है तो इस कुटन के बाद वायु के साथ परागकण नहीं जा पाएंगे। लेकिन अगर ये पुष्प है तो परागकण यूं उससे बाहर एक्सपोज रहते हैं, पुष्प से तो बाहर एक्सपोज रहते हैं तो वो हवा के साथ क्या करते रहते हैं, यूं हिलते डुलते रहते हैं उनके कुतंतु। और जब हिलते डुलते रहते हैं तो जब परागकोष का स्फुटन होता है तो वायु के साथ परागकण बैठकर इधर उधर चले जाते हैं। तो दूसरा लक्षण है कि पुष्पों के पुंकेसर बाहर की ओर एक्सपोज होते हैं जिससे प्रकीर्णन आसानी से होता है। प्रकीर्णन मतलब परागकणों का मात्र पौधे से दूर जाना। प्रकीर्णन का मतलब हो गया कि किसी, जैसे मान लो ये एक पौधा है, इस पौधे के किसी पुष्प के परागकण इस स्फुटन के बाद वायु के साथ या किसी भी एजेंट के साथ अगर इस पौधे से दूर जा रहे हैं तो इस घटना को क्या कहा जाता है, प्रकीर्णन कहा जाता है। तो परागकणों का प्रकीर्णन आसानी से होता है। वायु परागित पुष्पों का तीसरा लक्षण है कि वृत्तिकाग्र रोमिल होती है। वायु परागित पुष्पों के अंदर यानी जिन पुष्पों के अंदर वायु के द्वारा परागण होता है उन पुष्पों की जो वृत्तिकाग्र है ये रोमिल होती है या पुरुष जैसी होती है या आप इसको पिछवत भी बोल सकते हैं। पिछवत का मतलब हमने पराग इसकी वृत्तिकाग्र की संरचना ऐसी पढ़ी, वृत्तिकाग्र की संरचना हमने ऐसी देखी, लेकिन यहाँ पर हमें वृत्तिकाग्र की संरचना कुछ इस तरीके से देखने को मिलेगी। वृत्तिकाग्र की संरचना कुछ इस तरीके से देखने को मिलेगी, ऐसे पिछवत संरचना हमारे बिना देखने को मिलेगी। इस तरीके से पिछवत संरचना हमारे वृत्तिकाग्र की देखने को मिलेगी। और ब्रुश जैसी संरचना होती है, वृत्तिकाग्र की संरचना कई बार हमारे को ऐसी भी देखने को मिलेगी, ऐसे ब्रुश जैसी संरचना भी देखने को मिलेगी। इसकी वजह से क्या होगा, इसकी और अच्छा वर्तिकाग्र चिपचिपी भी होती है तो या तो पिछवत होती है या ब्रुष जैसी होती है या रोमिल रोम जैसी संरचनाएं वर्तिकाग्र पर देखने को मिलेंगी। और वर्तिकाग्र चिपचिपी होती है तो उसकी वजह से वो क्या करती है, जब परागकण उसके संपर्क में आते हैं तो रोमिल पिछवत और चिपचिपी होने की वजह से वर्तिकाग्र में फंस जाते हैं या वहीं पर रुक जाते हैं, वायु के साथ आगे नहीं जाते। तो वायु परागक पुष्पों के जो वृत्तिकाग्र हैं इनकी सतह रोमिल के लिए तो जैसे ग्रास होते जितने भी पौधे हैं अपन ने बाजरा मक्का बांस इनकी बात करी उनमें रोमिल होती है। ब्रुश जैसी अगर अपने को देखनी है तो वो अपने को देखने को मिलेगी टाइफा में जो वृत्तिकाग्र होती है वो ब्रुश जैसी होती है और वृत्तिकाग्र चिपचिपी होती है ताकि परागकण वृत्तिकाग्र भी आके चिपक सके। वायु परागक पुष्पों का अगला लक्षण है कि अंडाशय में जो बीजांड है वो तो एक होता है लेकिन परागकण बीजांड की तुलना में बहुत ज्यादा यानी लाखों करोड़ों की संख्या में परागकण बनते हैं। बहुत ज्यादा परागकण अगर नष्ट हो जाएं तो भी परागण की प्रक्रिया संपन्न हो पाए इसके लिए। और वायु परागित पुष्पों का एक लक्षण है कि इन पुष्पों के अंदर मकरंद ग्रंथियां अनुपस्थित होती है। मकरंद ग्रंथियों की आवश्यकता पड़ती है कीट परागित पुष्पों में ताकि वो कीटों को इनको आकर्षित कर सके। क्योंकि जिन पुष्पों के अंदर परागण की प्रक्रिया वायु द्वारा होती है उनका कीटों से कोई संबंध नहीं होता, तो प्रकृति में ये व्यवस्था है कि वायु परागित पुष्पों के अंदर मकरंद ग्रंथियां अनुपस्थित होती हैं। तो ये था, इसके बाद हम बात करते हैं वायु परागण की प्रक्रिया में हम एक और बात करते हैं। आपने मक्का का नाम सुना होगा, मक्के का सिरा, मक्के का भुट्टा भी कहा जाता है, बड़ी भाषा में आपने लोकल लैंग्वेज उसको सिरा बोलते हैं। मक्के का भुट्टा आपने देखा होगा, मक्के का जो भुट्टा होता है उसकी संरचना इस तरीके से उसकी संरचना होती है। ये मक्के के भुट्टे की कुछ संरचना होती है। मक्के के भुट्टे के इस तरह इस नीचे वाले भाग से ऐसे सुनहरे रोम जैसी संरचनाएं निकली दिखाई देती हैं। सुनहरे बालों जैसी संरचना हमें देखने को मिलती है मक्का के भुट्टे में। ये जो सुनहरे बालों जैसी संरचनाएं मैंने को दिखाई दे रही है
ये वास्तव में ये संरचनाएं क्या होती है? ये संरचनाएं वास्तव में वर्तिका एवं वर्तिकाग्र है। ये वास्तव में कौन सी संरचना है? वर्तिका एवं वर्तिकाग्र। ये क्या करती है? वर्तिका एवं वर्तिकाग्र ये हवा में इधर उधर हिलती डुलती रहती है। जब ये एक तरह से ये इंटरनल पार्ट है जो बाहर की तरफ एक्सपोज रहते हैं, जब ये हवा में ये इधर उधर हिलती डुलती रहती है तो वायु के साथ जो परागकण उधर से गुजरते हैं तो ये उधर हिल डुल कर उन परागकणों को लेने लगती है। जैसे ही पराग इधर से गुजरेंगे तो ये परागकणों को क्या करेंगी? परागकणों को कैच कर लेंगे। इसके अलावा अगर बात करें, अगर इसी क्रम में इसके अलावा अगर बात करें किस बात में वायु परागण की प्रक्रिया में, वायु परागण की प्रक्रिया में हमें पता है कि जिस भी दिशा में वायु चलती है परागकण वायु के साथ उसी दिशा में क्या करते हैं? बैठकर चले जाते हैं। तो परागकणों का बहुत ही ज्यादा मात्रा में क्या हो जाता है? नुकसान हो जाता है, क्योंकि बहुत सारे परागकण वायु के साथ इधर उधर क्या हो जाएंगे? बहकर चले जाएंगे। और एक चीज देखने की बात यह है कि हम बात कर रहे हैं इसको एंजियोस्पर्म प्लांट्स की। अगर हम जिम्नोस्पर्म प्लांट्स की बात करें, जिम्नोस्पर्म प्लांट्स की बात करें तो जिम्नोस्पर्म प्लांट्स के अंदर भी वायु के द्वारा परागण होता है। जिम्नोस्पर्म हालांकि हम पुष्पीय पादपों की बात कर रहे थे, लेकिन जिम्नोस्पर्म की बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जिम्नोस्पर्म पादपों के अंदर भी किसके द्वारा परागण होता है? वायु के द्वारा परागण होता है। इनमें भी किसके द्वारा परागण होता है? वायु के द्वारा परागण की प्रक्रिया संपन्न होती है। एक जिम्नोस्पर्म प्लांट है जिसका नाम आपने सुना होगा पाइनस। जिम्नोस्पर्म का एक एग्जांपल है पाइनस। अगर हम जिम्नोस्पर्म प्लांट्स में पाइनस की बात करें तो पाइनस के अंदर जब परागण बाहर निकलते हैं पुष्पों से तो ये परागकण बाहर निकलकर वायु के साथ इधर उधर बहुत दूर तक फैल जाते हैं। इसकी वजह से जो बादल है वो पीले नजर आने लगते हैं। परागकणों के वायु में इधर उधर फैलने की वजह से पीले बादल जैसी संरचना हमारे को, पीले बादल जैसी स्थिति अपने को देखने को मिलेगी। पीले बादल जैसी रचना हमारे को दिखाई देने लग जाएगी। ये जो पीले बादल जैसी रचना बन जाती है या पीले बादल बन जाते हैं इन्हें सल्फर शावर भी कहा जाता है। इन्हें क्या कहा जाता है? सल्फर शावर कहा जाता है। दोबारा देखो, हम चूंकि पुष्पीय पादपों की बात कर रहे थे लेकिन जिम्नोस्पर्म की बात यहाँ इसलिए आ गई क्योंकि पुष्पीय पादपों में तो वायु परागण होता ही होता है और वायु परागण की प्रक्रिया जिम्नोस्पर्म पादपों के अंदर भी संपन्न होती है। जिम्नोस्पर्म पादपों का ये एग्जांपल है एक पाइनस। जब पाइनस के अंदर वायु परागण होता है तो पाइनस के पुष्पों से निकलने वाले परागकण इधर उधर खूब दूर में फैल जाते हैं जिसकी वजह से पीले बादल बन जाते हैं, येलो क्लाउड। क्या बन जाते हैं? येलो क्लाउड या पीले बादल बन जाते हैं। तो इस तरह पीले बादल जो हमारे को दिखाई देने लग जाते हैं उस स्थिति को सल्फर शावर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सल्फर शावर। तो ये बात हो गई वायु परागण की प्रक्रिया की। अब हम दूसरा मेथड बात करते हैं जल परागण। ये तो बात हो गई वायु परागण की, अब अपन परागण की प्रक्रिया की। जो दूसरा मेथड जिसकी हम बात कर रहे हैं वो है जल परागण। जल हाइड्रोफिलिक। देखो, अगर हम वायु और जल दोनों की तुलना करें तो जल की तुलना में वायु परागण की प्रक्रिया ज्यादा संपन्न होती है। बहुत सारे पादपों के अंदर जो एबायोटिक फैक्टर काम करते हैं उनमें ज्यादातर परागण की प्रक्रिया वायु द्वारा ही संपन्न होती है। कुछ चुनिंदा पादपों के अंदर ही जल परागण की प्रक्रिया संपन्न होती है। अब तक कुल खोजे गए लगभग 30 वंशी ऐसे हैं जिनमें जल परागण की प्रक्रिया के द्वारा परागण होता है। ये मेथड हमें ज्यादातर देखने को मिलेगा मोनोकॉट प्लांट्स में, जो एक बीजपत्री पादप हैं उनमें जो परागण की प्रक्रिया संपन्न होती है वो जल के द्वारा होती है। अब अगर हम जल परागण की प्रक्रिया की बात करें तो जैसे नाम से हमें यह पता चलेगा कि जल परागण की प्रक्रिया यानी परागण की प्रक्रिया में जब परागकणों का स्थानांतरण वर्तिकाग्र तक जल के द्वारा हो रहा होता है तो इसे जल परागण कहते हैं। डेफिनेशन अपनी बिल्कुल सही है। जब अपन ये कह सकते हैं कि जब परागकणों का स्थानांतरण वर्तिकाग्र तक जल के द्वारा हो तो इसे जल परागण कहा जाता है। तो इसे क्या कहा जाता है? जल परागण कहा जाता है।
लेकिन क्या सभी पादपों के अंदर जल में रहने वाले सभी पादपों के अंदर जल के द्वारा परागण होता है? नहीं, सभी जलीय पादपों के अंदर जल के द्वारा परागण नहीं होता। अगर हम कुछ एग्जाम्पलों की बात करें, जैसे हम बात करें पेटामोजिटोन की, एक एग्जाम्पल लेते हैं अपन, एग्जाम्पल है पेटामोजिटोन, एक एग्जाम्पल कौन सा है पेटामोजिटोन, एक मेरियोफिल। अगर हम इनकी बात करें तो ये दोनों ही जो पौधे हैं ये जलीय पादप हैं। दोनों ही पौधे कैसे हैं? जलीय पादप हैं। लेकिन इसके बावजूद भी जो इनमें परागण होता है वो जलीय परागण न होकर इनमें कौन से परागण की प्रक्रिया संपन्न होती है? वायु परागण की प्रक्रिया संपन्न होती है। कौन से परागण की संपन्न होती है? वायु परागण। इसके अलावा अगर हम एक और पादप की बात करें, जैसे एक जलीय पादप है जलकुंभी, कौन सा पादप है? जलकुंभी। अगर हम जलकुंभी की बात करें तो जलकुंभी भी जलीय पादप है, लेकिन जलकुंभी के अंदर जो परागण होता है वो होता है कीट परागण। जलकुंभी के अंदर परागण की प्रक्रिया किसके द्वारा संपन्न होती है? कीटों के द्वारा। इसका मतलब तो ये हुआ कि जलीय पादपों के अंदर जल के द्वारा परागण होता है, लेकिन सभी जलीय पादपों के अंदर जल के द्वारा परागण नहीं होता। अब अपना ये भी मानना है कि कुछ मतलब जो जलीय पादप परागण उत्पन्न करते हैं, तो ये परागण जब जल की सतह के संपर्क में आते हैं तो जल की सतह के संपर्क में आने के बाद परागण नमी के संपर्क में, पानी के संपर्क में आते ही गीले हो जाते होंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। जलीय पौधे जो परागण उत्पन्न करते हैं उन परागकणों के चारों ओर एक श्लेष्मिक परत होती है। जलीय पादप जो परागण उत्पन्न करते हैं उन परागकणों के चारों ओर एक श्लेष्मिक परत होती है, तो यह श्लेष्मिक परत उनकी केयर करती है परागकण को जल के संपर्क में आने के बावजूद भी भीगने से रोकती है, यानी पानी उस सतह को भेद कर परागण तक नहीं पहुंच पाता और कुछ समय के लिए परागण सुरक्षित रहते हैं, याद रहे। लेकिन जलीय परागण की जो प्रक्रिया है ये बहुत सारे पादपों में संपन्न नहीं होती, कुछ चुनिंदा पादपों में ये प्रक्रिया संपन्न होती है। अगर बात करें तो इसकी मुख्य दो विधियां हैं जल परागण की, मुख्य एपिहाइड्रोटिली और हाइपोहाइड्रोटिली। इसे अधोजल, हिंदी में इसे अधो जल या जलद भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अधो जल या जलद भी कहा जाता है। इसी का नाम है हाइपोहाइड्रोटिली। इसकी जो दूसरी विधि है, सबसे पहले हम इसकी बात करते हैं अधो जल या जलद या हाइपोहाइड्रोटिली की बात करते हैं। जैसे हाइपो नाम से ही बता चल रहा है यानी जल के अंदर, हाइपो से अपने को क्या पता चला? जल के अंदर। यानी जब परागण की प्रक्रिया जलीय पादपों में जब परागण की प्रक्रिया जल के अंदर संपन्न हो रही हो उसे क्या कहा जाता है? हाइपोहाइड्रोफिली या अधोजल या जलद परागण कहा जाता है। जलीय परागण के हम दो मेथड पढ़ रहे हैं, एक पढ़ रहे हैं अपन अधोजल या जलद परागण और दूसरा पढ़ रहे हैं अपन जलीय पृष्ठ या अधिजल परागण। दूसरा एक तो है अधोजल, दोनों को मैं एक साथ लिख देता हूं, और जो दूसरा मेथड है वो है, एक तो है अधोजल और दूसरा है अधिजल, अधिजल या इसे जलीय पृष्ठ भी कहा जाता है। इसी का नाम है एपिहाइड्रोफिली। इसी का क्या नाम है? एपिहाइड्रोफिली। इसे हाइड्रोफिली कहा जाता है और जो दूसरा मेथड है उसे एपिहाइड्रोफिली। हिंदी में इसे अधोजल बोलते हैं और इसे क्या कहा जाता है? अधिजल। अधोजल यानी जल के अंदर और अधिजल या एपिहाइड्रोफिली का मतलब जल की सतह पर, जब परागण की प्रक्रिया कहां हो रही हो? जल की सतह पर परागण की प्रक्रिया संपन्न होती है। तो ये इस तरह से दो मेथड है। अगर हम हाइपोहाइड्रोफिली की बात करें, इसके एग्जांपल है नाजास, इसके एग्जांपल क्या है? नाजास, कोमा जोस्टेरा, कोमा नाजास, कोमा जोस्टेरा, कोमा सीरोफिलम, सीरोफिलम, ये इसके कुछ एग्जांपल है। ये नाजास, जोस्टेरा और सीरोफिलम के अंदर हमारे को जल के अंदर परागण की प्रक्रिया देखने को है। इसका एग्जांपल है वेलिसिनेरिया, ये अपने को वेलिसिनेरिया के अंदर देखने को मिलेगी। तो ये तो हो गई जलीय परागण की कुछ मुख्य दो बिंदु।
अब हम बात करते हैं, अगर हम इसको आगे अगर बढ़ा के देखें तो जो हाइपोहाइड्रोफिली का एग्जांपल है जोस्टेरा और जो एपीहाइड्रोफिली विधि का जो एग्जांपल है मेलिसमेरिया, ये अपने एनसीईआरटी के पाठ्यक्रम और माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के पाठ्यक्रम दोनों में ही इसको थोड़ा सा विस्तार से दे रखा है। तो अपन अब इन दोनों एग्जाम्पलों के आधार पर हाइपोहाइड्रोफिली और एपीहाइड्रोफिली का अध्ययन करेंगे, मतलब जलीय परागण की जो दो विधियां हैं हाइपोहाइड्रोफिली और एपीहाइड्रोफिली, इन दोनों विधियों को हम जोस्टेरा और वेलिंसेरिया को एग्जाम्पल मानकर अध्ययन किया, इन एग्जाम्पलों के द्वारा हम इनका अध्ययन करें। अगला जो अपना नेक्स्ट वीडियो आएगा वो आएगा जोस्टेरा और वेलिंसेरिया के अंदर किस तरीके से जलीय परागण की प्रक्रिया संपन्न होती है। अपना जो मुख्य टॉपिक चल रहा है वो चल रहा है मेथड्स ऑफ क्रॉस पोलिनेशन, और इसको अपन ने दो भागों में या तो इसकी दो मुख्य पार्ट बनाकर पढ़ रहे हैं अपन, इसका एक एबायोटिक फैक्टर और दूसरा बायोटिक। हमने जो शुरू किया था वो किया था एजैविक एजेंट्स या एबायोटिक फैक्टर, उसी में हमने पढ़ा वायु और जल के बारे में। अभी हम जलीय परागण के जो दो मेथड हैं उनको यहाँ खत्म करके छोड़ रहे हैं, जिसमें हम जोस्टेरा और वेलिनिसेरिया को आगे विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे। उसके बाद हम बात करेंगे बायोटिक फैक्टर की, यानी जो जैविक कारक हैं वो परागण की प्रक्रिया में किस तरीके से भाग लेते हैं, या वो कौन कौन सी विधियां हैं जिसमें जंतु भाग लेते हैं। थैंक यू, बाकी बातें हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो।